तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कार्तिक यादव केपीएम 2.0 पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो फैनकोड ओमान D20 लीग है उसका भाई 13वां मैच जो कि खेला जाएगा यहां पर अमीरेट्स रॉयल्स वर्सेस बोशर बस्टर्स के बीच में। तो भाई इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। मैच भाई शाम को 5:30 पर खेला जाएगा तो आपको फाइनल टीम भी मिल जाएगी। लेकिन भाई फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो मैं आपको देने वाला हूँ वो सिर्फ एक डेमो टीम होने वाली है। फाइनल टीम भाई टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले भाई बात कर लेते हैं कुछ स्टैट्स के बारे में। मैच नंबर 13 यहां पर खेला जाएगा एमिरेट्स रॉयल्स के बीच में वर्सेस बशर बोस्टर्स के बीच में। तो सबसे पहले तो देखो आपको दोनों टीम्स की एक एक प्लेयर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक जरूर करो क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके और अच्छे अच्छे मतलब मैचेस कवर करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक अगर इस लीग की बात करें तो ओवरऑल हमारे लिए काफी अच्छी लीग रही है। 12 यहाँ पर टोटल 12 मैच खेले जा चुके हैं, ये 13वां मैच है। 12 मैच में से भाई हमने 9 मैच इजिली विन किया, लास्ट मैच हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया है। ठीक है, जो रात को 9:30 पर खेला गया था अल्ट्रा क्लीन स्वीप भाई वो मैच हमारे लिए रहा था। और आपको बता दूं देखो यहाँ पर बात करें अगर देखो दोनों टीम्स की तो यहाँ पर एमिरेट्स रॉयल्स की टीम है ना इसमें कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन बहुत कम है और भाई वो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी गजब देने वाले हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको आगे पता चलेगा। बात करें अगर वेन्यू की तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पर एल एमिरेट्स क्रिकेट ग्राउंड ओमान में मैच होने वाले हैं। पिच की बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रल विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों को इक्वली हेल्प मिलेगी। लेकिन भाई इस टूर्नामेंट में काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर बन रहे हैं तो आप हाई स्कोर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से 160 से ऊपर का स्कोर बन सकता है, बाकी एवरेज स्कोर की बात करें तो 150 से 160 अभी तक। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू के रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हो, 36 मैच खेले गए हैं टोटल पहले खेले गए थे। ठीक है, अभी इस सीजन का रिकॉर्ड भी मैंने आपके लिए निकाल रखा है, उसकी नीचे बात करेंगे। टोटल मैच 36 खेले गए जिसमें से आप देख सकते हो क्लियरली भाई सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है उसको पिच फेवर कर रही है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। हाइएस्ट स्कोर की बात करें तो 210 रन पर 4 विकेट यहाँ पर कुवैत ने बनाया था ओमान के अगेंस्ट में। ठीक है, बात करें इस सीजन की तो 12 मैच खेले गए हैं, 4 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया, 8 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किया। तो क्लियरली देख सकते हो यानी कि सेकंड इनिंग की टीम के हमारे पास जो सेकंड इनिंग में टीम बॉलिंग कर रही है उसके डेथ ओवर के गेंदबाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ ही साथ उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर वेदर की तो क्लाउडी रहेगा बट बारिश के चांसेस मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टेलीग्राम चैनल आपके लिए ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और अगर बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आप ये सर्च कर सकते हो @KPM Fantasy Expert, आप ऐसे सर्च करके डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। चैनल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से 4K की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी भाई अब और आगे बढ़ना है और ऊपर जाना है, तो भाई जल्दी जल्दी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इससे आपको फायदा ये है कि आपको फाइनल टीम प्लस कोई नया प्लेयर खेलता नजर आएगा तो उसके स्टैट्स मैं टेलीग्राम पर लेके आ जाऊंगा। बात करें अगर एमिरेट्स रॉयल्स की टीम की तो यहाँ पर देखो करण सोनावाले की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 19 मैच में ऑलमोस्ट 400 रन के आसपास बना चुका है और 8 विकेट भी निकाले हैं, यानी कि एक पार्ट टाइम गेंदबाज भी आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर प्रतीक अनावले की तो देख सकते हो बेहतरीन प्लेयर है, 13 मैच में 319 रन है, विकेट इसे मिला नहीं है, पार्ट टाइम बॉलिंग कभी कभी कर लेता है। सनकाता प्रसाद की बात करें तो 6 मैच में 56 रन है, इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, सिर्फ ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में ड्रॉप करके जा सकते हो। ट्विंकल भंडारी बेहतरीन प्लेयर है, 29 मैच में ऑलमोस्ट 400 रन बना चुका है, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, नंबर 3 या 4 पर आपको खेलता नजर आ जाएगा। वहीं अगर बात करें नीचे से रफीउल्ला की तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर आपके लिए होने वाला, 33 मैच में यहाँ पर 631 रन है, प्लस 24 विकेट भी निकाल चुका है, साथ ही रिसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा। मैरन खान की बात तो रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा, साथ ही यहां पर आप स्टेट्स भी देख सकते हो, 19 मैच में 200 प्लस रन है, प्लस भाई 29 विकेट निकाल चुका है, इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। वीरन पटेल की बात करें तो 9 मैच में 2 विकेट है, ड्रॉप करके चल सकते हो। विनायक शुक्ला की बात करें तो 5 मैच में 10 रन है, ड्रॉप करके चल सकते हो। हेमंत तांडल की बात करें तो एक बेहतरीन पिक आपके लिए होने वाला है, लास्ट मैच में भाई अकेले बंदे ने इतने मतलब परफॉर्मेंस दे दी थी कि अपनी टीम को विनिंग तक पहुंचा दिया था। ठीक है, वही अगर बात करें यहां पर इनके स्टैट्स की तो 28 मैच में 136 रन है, प्लस 47 विकेट है, बेहतरीन पिक आपके लिए होने वाला है। अदनान हक की बात करें तो 9 मैच में 16 विकेट निकाल चुका है, 288 रन भी है, 9 मैच में ऑलमोस्ट 300 रन बना चुका है, आप सोच सकते हो किस लेवल का प्लेयर, एक बेहतरीन पिक आपके लिए होने वाला है। बिलाल खान जो टीम का स्ट्राइक बॉलर है, 18 मैच में 36 विकेट, यानी कि हर मैच में एवरेज 2 विकेट निकाल के लेके जा रहा है, एक बेहतरीन पिक आपके लिए हो सकता है, CVC के तौर पर आप इसे लेके जा सकते हो क्योंकि अगर 3-4 विकेट निकाल के ले गए तो एक बेहतरीन पिक आपके लिए हो जाएगा। बात करें यहाँ पर बशर
बूस्टर्स की तो अजय लाल चट्टा आपको खेलते नजर आएंगे। 23 मैच में 348 रन है, 30 विकेट, एक बेहतरीन ऑलराउंडर आपके लिए होने वाला है, सीवीसी का दावेदार है। पृथ्वी माछी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 27 मैच में 660 रन है और भाई यहाँ पर 5 विकेट भी निकाल चुका है। इसके अलावा बात करें अब्दुल रौफ की तो इसके स्टैट्स यहाँ पर भाई मेरे को मिले नहीं, तो जबरदस्ती मैंने कुछ फेक स्टैट्स बना के आपको प्रोवाइड करवाए नहीं, क्योंकि फेक स्टैट्स से भाई कोई फायदा होता नहीं है ना। बात करें अगर हमद इरफाक की तो आप देख सकते हो 7 मैच में 176 रन बना चुका है, एक बेहतरीन पिक आपके लिए होने वाला है। आसिफ खान की बात करें तो 27 मैच में 21 विकेट प्लस 500 के आसपास रन है, एक बेहतरीन पिक आपके लिए होने वाला है। महमूद सूफियान की बात करें तो 24 मैच में 18 विकेट प्लस 600 रन, एक काफी ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर आपके लिए यहां से हो सकता है। फवाद अली की बात करें तो 15 मैच में 12 विकेट है, ठीक ठाक प्लेयर है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। वहीं अगर नीचे की साइड अगर आप आओगे तो बिलाल शाह एक बेहतरीन पिक आपके लिए होने वाला है, 25 मैच में 37 विकेट है। शहबाज शाह की बात करें तो 16 मैच में 265 रन बना चुका है, एक बेहतरीन पिक आपके लिए होने वाला। शुभ पाल की बात करें तो 20 मैच में ऑलमोस्ट 400 रन, एक बेहतरीन पिक है। भाई अगर बात करें मेहंदी हसन की तो 3 मैच में 3 विकेट निकाल चुका है, बेहतरीन पिक आपके लिए हो सकता है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं भाई एक बार इनके लास्ट मैच की परफॉर्मेंस आप जरूर चेक कर लेना। मैं आपको एक बार इनके एक एक लास्ट मैच की परफॉर्मेंस मैं आपको चेक करवा देता हूँ, बाकी उसके अलावा अगर आपको कुछ चेक करना हो तो वो भाई आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भाई बात करें एमिरेट्स रॉयल्स की तो देख सकते हो भाई यहाँ पर पहले बात करेंगे भाई यहाँ पर इनकी बैटिंग की तो करण सोनावाले जैसे कि मैंने आपको बताया ओपनिंग करेगा, बेहतरीन प्लेयर। प्रतीक अथावले बेहतरीन प्लेयर है। इसके अलावा भाई ट्विंकल भंडारी नंबर 4 पर खेल रहे, ठीक ठाक प्लेयर होने वाला है। सनकाता प्रसाद को आप ग्रैंड लीग में सीवीसी लेके जाना, बाकी आप ड्रॉप करके चल सकते हो। रफीउल्ला की बात करें तो बेहतरीन प्लेयर है, 11 बॉल पर 25 रन लास्ट मैच में बनाए हुए हैं। इसके अलावा भाई मैरन खान एक काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर, आप ट्राई कर सकते हो। वीरन पटेल आप अपने रिस्क पर ट्राई करना, ठीक है। इनके लास्ट मैच की परफॉर्मेंस आप यहाँ से देख सकते हो। एमन टांडल की करेंगे तो अभी बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप जाके देखोगे इसकी परफॉर्मेंस, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं यहां से। तो यहाँ पर हेमंत तांडल की बात करेंगे, 4 ओवर में भाई 4 विकेट निकाल चुका है, इसीलिए बोल रहा था मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए। बिलाल खान 4 ओवर में 1 विकेट, बेहतरीन प्लेयर है, ये भी इसको भी ट्राई कर सकते हो। नीचे मैरन खान ने यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ओवर में 2 विकेट निकाले। करण सोनावाले ने भाई 1 ओवर में 1 विकेट निकाला। इसके अलावा बात करें अदनान हक की तो एक बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाला है, यहाँ पर देखो 4 ओवर कंप्लीट डाल रहे हैं। एक बार मैं इसके स्टैट्स एक बार फिर से चेक करवाना चाहूँगा आपको। अदनान हक भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है, 9 मैच में 16 विकेट और 300 रन है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर है। आप चाहो तो आप इन्हें सीवीसी बना सकते हो। एक बार मैं बैटिंग ऑर्डर और चेक कर लेता हूँ अदनान हक का, भाई बैटिंग तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, ठीक है। तो बैटिंग में तो अभी टीम इसका सही से यूज कर नहीं रही, तो अभी हम इसे ट्राई करेंगे भी नहीं बैटिंग पर्पज से। अगर बॉलिंग पर्पज से अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर बात करें यहाँ पर बोस्टर्स की तो यहाँ पर भाई देख सकते हो ये अपना लास्ट मैच हार के आ रहे हैं। तो बैटिंग की बात करें तो देखो ओपनिंग में आए थे अजय लाल चट्टा, बेहतरीन प्लेयर है, एक इंपॉर्टेंट नोक आपके लिए खेल के जा सकता है, सीवीसी लेके जा सकते हो क्योंकि बॉलिंग भी करवाएगा। पृथ्वी मच्छी की बात करें तो 2 रन बनाए। इसके अलावा नीचे से अहमद इरफाक ने यहाँ पर 12 रन बनाए, आसिफ खान ने यहाँ पर 14 रन बनाए, सूफियान मोहम्मद ने 15 रन। इसके अलावा यहाँ पर अगर नीचे की साइड अगर आप बात करें तो फवाद अली ने यहाँ पर 23 रन बनाए। बिलाल शाह बेहतरीन गेंदबाज है, बट भाई बैटिंग में क्या ही करेगा। यहाँ से अगर बात करें देखो फवाद अली की तो 4 ओवर में 2 विकेट निकाल के लेके गया, 3 ओवर में भाई 1 विकेट यहाँ पर बिलाल शाह को मिला। अजय लाल चट्टा की बात करें तो आप देख सकते हो 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट निकाला और बेहतरीन पिक आपके लिए हो सकता है, सीवीसी लेके जा सकते हो। सूफियान मोहम्मद की बात करें तो 4 ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाला। पृथ्वी मच्छी 1 ओवर में विकेट लेस रहा, आसिफ खान 1 ओवर में विकेट लेस रहा, मेहंदी हसन 2 ओवर में विकेट लेस रहा। अब चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्ट टीम की, तो टीम में आपको एक बार बना के दिखा देता हूं। यहां से अगर बात करें तो देखो यहां से प्रतीक अथावले आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, ट्विंकल भंडारी को आप ग्रैंड लीग में सीवीसी लेके जा सकते हो अगर आप लेके जाना चाहो तो। इसके अलावा एयर ऑफ को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैं अभी के लिए आपको सजेस्ट करूंगा नहीं। वहीं अगर बात करें यहाँ से रफीउल्ला आपकी टीम में होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो करण सोनावाले बेहतरीन पिक आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा नीचे की साइड अगर आप चलोगे तो आपको मेरे हिसाब से और तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर लग नहीं रहा, बट हमें 3 प्लेयर पिक करने, तो यहाँ से अभी के लिए मैं एच इरफाक के साथ जा रहा हूँ। बाकी अगर कोई आप कहीं पर ऐसी एप्लीकेशन पर खेलते हो जहाँ पर मैं खुद खेलता हूँ, जैसे 11 चैलेंजर्स एप्लीकेशन होगा स्पोर्ट ऐसी, जहाँ पर सिर्फ आप एक या दो बैट्समैन पिक कर सकते हो, तो वहाँ पर भाई सिर्फ आप इन दोनों को लेके जाना, बाकी आप ऑलराउंडर सेक्शन पर फोकस करना। यहाँ से भाई अजय लाल चट्टा, शाकिब महमूद, मैरन खान तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। पी मच्छी को आप ट्राई कर सकते हो, एक बेहतरीन पिक आपके लिए होने वाला है, ठीक है। वहीं अगर बात करें नीचे की साइड से तो आप यहाँ पर भाई अगर बात करें तो एस टांडल को आप ट्राई कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। नीचे की साइड अगर आप आओगे तो आसिफ खान एक बेहतरीन पिक है, तो ऑलराउंडर सेक्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर लेना। साथ ही बॉलर
नंबर आपके लिए बिलाल खान बिलाल शाह दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा और थोड़ा नीचे आओ तो फवाद अली ने लास्ट मैच में जैकपॉट परफॉर्मेंस दिया, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा अगर आप ट्राई करना चाहो तो यहाँ से भाई एम हसन मेहंदी हसन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। इसके अलावा बात करें तो यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया अदनानक एक बेहतरीन प्लेयर आपके लिए रह सकता है, इसको आप जरूर से जरूर ट्राई कर लेना। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ से भाई कैप्टन मैं अजय लाल चट्टा बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन की बात करें तो मैं मेहरन खान के साथ जा रहा हूँ। आप अगर चाहो तो आप एस महमूद के साथ जा सकते हो या फिर आप एस टांडल के साथ जा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मेरे हिसाब से बेस्ट है, बाकी एक थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सको तो करण सोनावाले बेहतरीन पिक आपके लिए हो सकता है, बट अभी के लिए मैं मेहरन खान के साथ जा रहा हूँ वाइस कैप्टन में। बाकी फाइनल टीम की अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लेना। अगर मान लो बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको सिर्फ इतना सर्च करना है @KPM Fantasy Expert, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाना, अदरवाइज भाई किसी फेक चैनल पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 4K हमारे चैनल पर सब्सक्राइब, यानी कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है 4K की, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, आप अभी इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।